एक बात तो है, प्यार मौका देकर नहीं आता है, लेकिन बेमौके किसी को धोखा दे जाता है। ये कहानी है आरती और मयंक की। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्लास 11 में, और वे बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब प्यार एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ना तो दोस्ती दोस्ती रहती है और ना ही प्यार प्यार रहता है। स्कूल टाइम पे थोड़ा बहुत नोक झोंक तो हो ही जाता है, थोड़ा प्यार होना, थोड़ा टकरार होना, फिर इकरार, फिर इनका, ये सब चलता ही रहता है। ऐसी चीज़ों से कौन इतना सीरियसली लेता है, पर जो सीरियसली लेते हैं वही मरते हैं। आरती थी संस्कारी और सीधे स्वभाव की लड़की। उसे किसी तरह का भी बनावटी बातें हो या कोई कारण हो पसंद नहीं। एक दिन जब शाम के टाइम वो घर से ट्यूशन के लिए निकली तो तब शाम के 6:30 बजे थे। आरती अपने कंधे पर एक बैग टांगे थी और सिर नीचे कर रास्ते से गुजर रही थी। रास्ते के चौराहे पर कुछ लड़के बैठे हुए थे, उनमें से मयंक भी था बैठा हुआ। आरती को देखते ही पागलों की तरह वहाँ उठा और उसके सामने आ खड़ा हो गया। आरती रुक जाती है। रोज़ ही वो ऐसे ट्यूशन के लिए निकलती और रोज़ मयंक उसे अलग अलग गलियों में रोकता और उसे डिस्टर्ब करता। आज कौन सा ट्यूशन है तेरी, मयंक सीरियस होकर पूछता। आरती मुंह बनाए दूसरी ओर देखती रहती। उसकी चुप्पी मयंक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अरे बोल ना, वो आरती से के कान के पास आकर ज़ोर से चिल्लाकर कहता। इससे बाकी सभी लड़के आरती की बेबसी को देखकर हंसने लगते हैं। मेरा रास्ता छोड़ो, आरती नाराज़ होकर कहती। मयंक भी एकदम सीरियस हो जाता है। क्या बात है, पलट कर जवाब दे रही है, वो कहता है आरती। मगर मयंक को धक्का देकर वहाँ से दौड़ कर चली जाती है। मयंक को गिरते देख उसके निकम्मे दोस्त बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगे। मयंक को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपने मन में कहता है, मुझे गिराया तुमने, अब देख कैसे परेशान करता हूँ तुझे। अगले दिन से मयंक हर उस जगह में जाता जहाँ आरती जाती। स्कूल में भी वो आरती के पीछे पीछे चलता रहता है। ये देख आरती बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। स्कूल के कॉरिडोर के पास जब वो गुजर रही थी तब मयंक भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। आसपास कोई नहीं था। मौका देखकर आरती वहीं रुक जाती है और पीछे मुड़कर मयंक के सामना करती। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसे मेरे पीछे पड़े हो, वो गंभीर होकर कहती। मयंक पहले चौंक जाता है, फिर कहता, तुम्हारे साथ रहना अब मेरा सपना है, तुम जानती हो ना। मयंक आरती के करीब आता है। आरती डर जाती है और इधर उधर देखती रहती है। उसे डर था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल ना आ जाए। जानती हो कि नहीं, तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, मयंक चुपके से आरती के कान में कहता है। आरती बहुत ज़्यादा डर जाती है। मयंक अजीब तरह से हंसता रहता है और आरती डर के मारे दूर हट जाती है। वहीं से एक टीचर गुजर रही थी। उन्होंने देखा कैसे मयंक आरती पर जोर कर रहा था। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, टीचर ने ज़ोर से चिल्लाई। टीचर के चिल्लाते ही मयंक आरती से दूर हो जाता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने अपने क्लास में जाओ, टीचर दोनों को भगा देती है। बाद में टीचर अलग से आरती को मयंक के बारे में पूछती है। आरती डर के मारे कुछ नहीं बोलती। कुछ दिन बीतने के बाद जब आरती रास्ते से ट्यूशन जा रही थी तब मयंक उसका रास्ता रोकता है। कल मेरे साथ मेरे घर चलना, माँ तुझे देखना चाहती है। आरती खड़ी होकर मयंक को गुस्से से देखती है मगर कहती कुछ नहीं। मयंक हंसते हुए कहता, ज़रा वन सवर कर आना, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आरती अपने घर में ही थी, अचानक डोरबेल बजती है। आरती की माँ और आरती थी घर पर, उसके पापा दुकान पर थे। इस वक्त कौन आ गया, आरती की माँ शारदा देवी कहती है।
फिर वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि मयंक सामने खड़ा था। आंटी नमस्ते, आज मैंने आरती से कहा था तैयार रहने के लिए, वो मेरी माँ उससे मिलना चाहती है। मयंक बड़े कॉन्फिडेंट और प्यार से कहता है, क्या आरती ने मुझे कुछ बताया ही नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, शारदा देवी पूछती है। मयंक कुछ कहता इससे पहले आरती वहाँ आ जाती है। अरे तुम तैयार नहीं हुई, कल कहा तो था तुमसे कि तैयार रहना, मयंक आरती से कहता है। फिर खुद ही कहता, खैर छोड़ो चलो ऐसे ही, और अपने बाइक स्टार्ट करता है। आरती मगर वहाँ से हिलती नहीं। ए चलेगी या ज़बरदस्ती करूँ, मयंक कहता है। शारदा देवी भी भड़क जाती है, दफा हो जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगी, वो चिल्ला कर कहती। मयंक जोर जोर से हंसते हुए कहता, अरे पुलिस वो कौन है, फिर अचानक से सीरियस होकर कहता, चलो अभी इसी वक्त चलो, देखता हूँ कौन क्या उखाड़ लेता है, और ज़बरदस्ती आरती को अपने बाइक में बिठा कर ले जाता है। वहाँ जाते ही अपनी माँ और बहन से उससे मिलाया ये कहकर कि आरती उसकी गर्लफ्रेंड है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आरती ये सुनकर रो पड़ती है और कहती, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझे यहाँ ज़बरदस्ती ले आए हैं। लेकिन मयंक की माँ और बहन मानो कोई भी बात अपने कानों में नहीं उतार रही हो, वो बस वही कह रहे हो उन्हें कहना था। बेटा मयंक तुम्हें बहुत खुश रखेगा शादी के बाद, तुम और वो उस कमरे में रहोगे, ये सब वे दोनों कह रहे थे और आरती को कि कोई भी बात वे सुन नहीं रहे थे। आरती मगर किसी भी तरह अपने आप को बचा कर वहाँ से निकल गई और अपने घर आ गई। घर आते ही वो अपने माँ और पापा को सब कुछ बता देती है। मिस्टर अर्जुन सिंह आंटी के पापा उसी दिन पुलिस में मयंक के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस मगर कोई सबूत नहीं मिलने के कारण मयंक को अरेस्ट नहीं करते। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मयंक, जो अब तक अपने गुस्से के आग को अपने अंदर छिपाए हुआ था, अंदर ही अंदर एक प्लान बना रहा था। अगर तुम मेरी ना हुई तो तुम किसी की भी नहीं बनोगी, वो मन ही मन कहता। उस दिन के बाद से मयंक ने आरती को कभी परेशान नहीं किया। सबने सोचा सब कुछ ठीक हो गया, पर मयंक के शैतानी डरावने दिमाग में कुछ और ही पक रहा था। आरती जो कि अपनी माँ और पापा का एक लौती बेटी थी, उनके साथ अपने मामा के घर होली में गई थी। होली के ठीक दो दिन बाद वो घर लौटी थी। शाम हो चुका था, अंधेरा सा छा गया था। आरती अपने माँ और पापा के साथ दरवाजे तक पहुँचती थी, तभी मयंक पीछे से इनके पास आ खड़ा होता है। हेलो आरती, वो कहते हैं, जिससे ये तीनों डर जाते हैं। मयंक को देखते ही आरती के पापा अर्जुन सिंह गुस्से से लाल हो जाते हैं। तुम फिर से आ गए, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें अब की बार पुलिस के पास ले जाऊँगा। लेकिन मयंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अर्जुन सिंह को एक धक्का मारकर नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और शारदा देवी जो कि उसे मारने के लिए दौड़ती, उन्हें भी दूर से धक्का मार के गिरा देता है। जोर से गिरने की वजह से वे दोनों उठ नहीं पाते। आरती ये सब देखकर चिल्लाती है और आस पड़ोस के सभी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है। मगर तभी मयंक अपने जेब से एक पिस्तौल निकालता है और आरती की तरफ पॉइंट करता है। बोल मेरे साथ चलेगी, मुझसे शादी करेगी, वो आरती से पूछता है। आरती सिसकती रोती और रोती रहती। इतने में मयंक उसके ठीक सिर के पास अपने पिस्तौल रखता है। हाँ या ना, वो गुस्से से लाल होकर पूछता है। आरती मगर उसे वही जवाब देती जो उसके दिल में था, नहीं। और इतना सुनते ही मयंक अपना पिस्तौल चला देता है और आरती को पॉइंट ब्लैंक से मार देता है। अर्जुन सिंह और शारदा देवी इससे पहले उठकर उसे रोके, वो अपना काम कर वहाँ से भाग जाता है। उनके सामने उनकी इकलौती बेटी को मार कर वो चला जाता है। उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर वो रफू चक्कर हो जाता है। इस कहानी से यही सीखते हैं कि प्यार करो मना नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी की जान ले लो। आज की कहानी यही समाप्त होती है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताएं और मेरी अगली कहानी के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।